जब मिथुन चक्रवर्ती के पास खाने के लिए नहीं थे पैसे, बड़ी बड़ी पार्टीज में डांस कर भरते थे पेट। फिल्मी जगत दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। फिल्मों का चमत्कार और फिल्मी अभिनेता लोगों के दिल में बस जाते हैं। फिल्मी हीरो की जिंदगी पर्दे पर किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे के संघर्ष, यात्रा, कष्ट, मेहनत, प्रतिभा, प्रयास, दर्द दिखाई नहीं देते। इसके बावजूद हीरो अपनी पहचान बना लेते हैं, जो फिल्मी दुनिया एवं आम लोगों में अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही अभिनेता हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने कड़े संघर्ष, नकारात्मक शुरुआत से होकर अपनी विशिष्ट जगह बनाई है। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े नामों में से एक हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। 80 के दशक में फिल्में मिथुन के नाम से ही चल जाया करती थी। हालांकि इस ऊंचाई को छूने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है। उन्होंने एक बार बताया था कि कैसे उनकी यात्रा गुलाबों से भरा बिस्तर नहीं बल्कि चुनौतियों से भरी थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीत पक्की पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरी, और आज की स्टोरी है जाने माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल जीत पक्की पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपको देखने को मिल सके। तो चलिए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के फेमस एक्टर बनने तक के सफर के बारे में। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती को लोग प्यार से मिथुन दा कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांस से लोगों का खूब मनोरंजन किया है। वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, चरणों की सौगंध, हमसे है जमाना, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। मिथुन दा ने फिल्म मृगया से फिल्मी दुनिया में एंट्री की थी। मृणाल सेन की इस फिल्म में उन्होंने कमाल का अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिथुन की पहली कमर्शियल फिल्म थी डिस्को डांसर। इसके गाने खूब हिट साबित हुए थे। इस फिल्म के बाद से ही उन्हें लोग बॉलीवुड का डिस्को डांसर कहकर भी बुलाने लगे थे। मगर मिथुन दा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। एक दौर ऐसा था जब वो पार्टियों में इसलिए नाचते थे ताकि उन्हें खाने को कुछ मिल सके। यही नहीं, वो पैदल एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो फिल्मों में काम मांगने के लिए मुंबई में घूमते रहते थे। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरंग चक्रवर्ती है। वह अपने स्टेज नाम मिथुन चक्रवर्ती और मिथुन दा के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता, गायक, प्रोड्यूसर, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ वे 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के हकदार भी रह चुके हैं। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने ड्रामा फिल्म मृगया से की थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। एक जूनियर एक्टर के रूप में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और फिर बाद में उन्होंने खुद को बॉलीवुड का एक अहम अभिनेता साबित किया। बॉलीवुड में अपने डिस्को और देसी डांस स्टाइल की वजह से वे सबसे प्रसिद्ध डांसिंग कलाकारों में से एक है। राज कपूर के साथ चक्रवर्ती 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर की वजह से रशिया में भी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद उन्हें तहदेर कथा 1992 और स्वामी विवेकानंद 1998 के लिए 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। चक्रवर्ती अब तक बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा की मिलाकर तकरीबन 350 फिल्में कर चुके हैं। चक्रवर्ती मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं, जो अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सेवा करता है। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत भी की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष कर रहे कलाकारों की सहायता करना था। इसे सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ वे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य फिल्मी कामगारों की समस्याओं को दूर करना है।
इसके बाद टेलीविजन शो डांस इंडिया डांस में चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती बंगाली ब्राह्मण हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के माता पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती और शांति रानी चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती का एक भाई था, लेकिन उसकी मृत्यु करंट लगने की वजह से हो गई थी। मिथुन चक्रवर्ती को बचपन से ही डांस और विभिन्न खेलों का शौक रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से केमिस्ट की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से वह ग्रेजुएट हुए, लेकिन पारिवारिक संघर्षों की वजह से उन्हें शुरुआती समय में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। संघर्ष के समय में वे रवि रंजन के अच्छे दोस्त बन चुके थे, जिन्होंने चक्रवर्ती की काफ़ी सहायता की थी। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आपको मिथुन चक्रवर्ती की अब तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। मिथुन चक्रवर्ती का करियर अनेक संघर्षों के दौर से गुजरकर, अनेक असफलताओं से होकर एक सफल बेहतरीन बॉलीवुड अभिनेता के रूप में उभरा है। चक्रवर्ती अपने अभिनय एवं डांस से दुनिया में काफी लोकप्रिय हैं। मिथुन चक्रवर्ती का करियर दौर अनेक स्वरूपों को उजागर करता है। मिथुन का फिल्मी करियर काफी सफल रहा है। उन्होंने अनेक सफल फिल्में की हैं एवं पुरस्कार भी जीते हैं। लोग उनके अभिनय एवं डांस के कायल हैं। तभी तो उन्हें डिस्को डांसर के रूप में ख्याति मिली है। उन्होंने अनेक सफल फिल्मों में जानदार अभिनय किया, तभी उनके प्रशंसकों की संख्या अनगिनत है। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में मृणाल सेन की मृग्या नामक फिल्म से की और अपने अभिनय कौशल से पुरस्कार भी प्राप्त किए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान बहुत सारी फिल्में की हैं, जिनमें मृग्या, दो अनजाने, मुक्ति, मेरा रक्षक, तराना, हम पांच, परम धर्म, वतन के रखवाले, डांस डांस, हवालात, अग्नि, गंगा जमुना सरस्वती, मार्शल, चांदनी चौक टू चाइना, वीर आदि फिल्में शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। इसके अलावा बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी आदि भाषाओं में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्में की हैं और अपने अभिनय का जादू बिखेरा है। राजनीतिक करियर। मिथुन का राजनीति कार्यकाल अल्प रहा है। वे तृणमूल कांग्रेस में 7 फरवरी 2014 को शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सभा में संसद सदस्य भी बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2016 को इस्तीफा दे दिया था। तत्पश्चात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री काल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इन्होंने राजनीति में रहते हुए कुछ कार्य भी किए थे। टेलीविजन शोज में किया काम। मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ टेलीविजन शोज में भी काम किया, जिनमें डांस बंगला डांस, डांस इंडिया डांस, दादागिरी अनलिमिटेड, बिग बॉस बांग्ला, द ड्रामा कंपनी, डांस डांस जूनियर, मिले सुर मेरा तुम्हारा आदि शामिल हैं। सम्मान। मिथुन चक्रवर्ती को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हें वर्ष 1976 में मृग्या के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वर्ष 1999 में तहदीर कथा के लिए बेस्ट एक्टर और वर्ष 1995 में स्वामी विवेकानंद के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। वर्ष 1989 में अग्निपथ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और वर्ष 1996 में जल्लाद के लिए नेगेटिव रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब मिला था। गुरे के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला था। वर्ष 1996 में जल्लाद के लिए बेस्ट विलेन का खिताब मिला था। वर्ष 2007 में मिथुन को लाइफ टाइम अचीवमेंट और रोल मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। वर्ष 1977 में मृग्या के लिए बेस्ट एक्टर और तहदीर कथा के लिए वर्ष 1995 में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला था। वर्ष 1999 में स्पेशल एडिटर अवार्ड मिला था। 2007 में मिनिस्टर फतेह कैस्टो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। दोस्तों, अगर आपको मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष से जुड़ी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश, जुनून और जज्बे से भरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।